हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी वाइट डिस्चार्ज के ऊपर, कौन कौन सी नॉर्मल कंडीशन रहती है जिसमें वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल कंडीशन की, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज रहते हैं और उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में। बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या है? तो एक्चुअल में ये कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, बट जब भी वेजाइनल पीएच जो है वो थोड़ा भी अल्टर होता है तो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। तो ये मेनली एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ वेजाइनल फ्लोरा की वजह से होता है। जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इसमें जो मेन बैक्टीरिया है वो है गार्डनेरा बैक्टीरिया। इस वजह से ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। नेक्स्ट, पेशेंट के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को इसमें थोड़ा क्रीमी वाइट डिस्चार्ज रहेगा, कोई भी ईचिंग नहीं रहती है, बट स्मेल रहेगा। इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो वेजाइनल पीएच है वो एल्कलाइन हो जाता है, तो लिटमस पेपर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। सेकंड, इसमें विफ टेस्ट रहता है। विफ टेस्ट हमको कैसे करना है? तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो स्लाइड पे लेते हैं, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है। तो इसमें हमको एक स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल फील होता है, इट मीन्स जो विफ टेस्ट है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहता है वो वेजाइनल स्मीयर टेस्ट रहता है। उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज को स्लाइड पे लेके माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है, तो उसमें क्लू सेल्स देखने को मिलती है, तो उसके थ्रू भी हम जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ वेजाइनल फ्लोरा है इसकी वजह से होती है। वेजाइनल में जो हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं लैक्टोबैसिलस, ये उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही वेजाइनल पीएच अल्टर होता है तो इसको चेंज कर देते हैं और ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मेनली एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइनल कैंडिडियासिस की। तो वेजाइनल कैंडिडियासिस जो है वो एक तरह का ईस्ट इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन इसको बोल सकते हैं। तो ये मेनली किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो कैंडिडा एल्बिकन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसमें जो पेशेंट को सिम्टम्स रहेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक कर्डी डिस्चार्ज रहेगा, उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा ईचिंग रहेगी पेशेंट को, और उसके साथ में डिस्यूरिया। डिस्यूरिया मीन्स जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो उसको पेन हो सकता है। तो ये मेन तीन सिम्टम रहेंगे, थिक कर्डी डिस्चार्ज, ईचिंग रहेगा और डिस्यूरिया। ये मेनली किन लोगों को होता है? तो जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, इम्यूनो सप्रेस्ड जो वुमेन है उनको मेनली ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो जो पहले भी मैंने टेस्ट बताया था, वेजाइनल स्मीयर टेस्ट के थ्रू हम जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो उसमें हाइफी सेल्स हैं वो हमको दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगेन हम लिटमस पेपर के थ्रू चेक कर सकते हैं, तो इसमें जो वेजाइनल पीएच है वो एसिडिक में मिलता है। तो ये जो कैंडिडा एल्बिकन है, जब वेजाइनल पीएच एसिडिक हो जाता है तब ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटीफंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस, ये एक तरह का प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, और ये जो इसके लिए जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो इसमें जो पेशेंट को डिस्चार्ज रहता है वो ग्रेश येलो कलर का डिस्चार्ज रहता है, फ्रोथी डिस्चार्ज रहता है, और उसके साथ साथ में पेशेंट को ईचिंग भी रहती है। इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? तो पहला, जैसे कि पहले भी बताया, वेजाइनल स्मीयर टेस्ट, वेजाइनल डिस्चार्ज को अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है, तो उसमें ट्राइकोमोनास देखने को मिलेगा। सेकंड जो हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं वो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके सबसे पहले तो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज मिलेगा, और सेकंड थिंग जो वेजाइनल वॉल है और सर्विक्स एरिया वहाँ पे पंक्टेशन दिखाई देगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जिसको स्ट्रॉबेरी अपियरेंस बोलते हैं। तो इस बेसिस पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगेन जो वेजाइनल पीएच है इसमें अल्कलाइन हो जाता है, तो लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो अगेन जो पीएच है वो हमको अल्कलाइन मिलेगा। तो इन बेसिस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, कि आयुर्वेदा में कहाँ कहाँ वेजाइनल इन्फेक्शन को बताया गया है। तो ये मेनली योनि व्यापक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो अचरणा योनि व्यापक, आचरणा योनि व्यापक में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर वेजाइनल एरिया को प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट को ईचिंग रहती है। तो अचरणा योनि व्यापक को हम वेजाइनल इन्फेक्शन
के अंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें बताया गया है श्लेष्मिक योनि व्यापत। श्लेष्मिक योनि व्यापत में जब लेडी कफ वर्धक आहार ज़्यादा लेती है तो उस वजह से क्या होता है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, उसके साथ साथ में ईचिंग भी पेशेंट को रहता है। तो ये जो श्लेष्मिक योनि व्यापत है वो हम कंसिडर कर सकते हैं कैंडिडियासिस या फिर ट्राइकोमोनियासिस से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उपलूता योनि व्यापत। उपलूता योनि व्यापत में एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कफ वर्धक आहार ज़्यादा ले रही है लेडी तो अगेन उसको क्या रहेगा, वाइट डिस्चार्ज रहेगा। तो उपलूता योनि व्यापत को हम कंसिडर कर सकते हैं वल्वो वेजाइनाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन सबका कारण क्या है, किस वजह से जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बताया है एक्सेस सॉल्ट, अगर हम नमक का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी क्या होता है, जो कफ दोष है वो बढ़ जाता है। सेकंड हम बात करें तो एक्सेस स्वीट, अगर ज़्यादा मीठा हम खा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सेस सोल, ज़्यादा खट्टा खाने की वजह से क्या होगा, कफ दोष बढ़ेगा। एंड ये कफ दोष जो है वो योनि व्यापत को, जो इसमें मेनली बताए गए हैं श्लेष्मिक योनि व्यापत, अचरणा योनि व्यापत, उपलूता योनि व्यापत, इन सबको इंक्रीज करेगा, इन सारी कंडीशन को। नेक्स्ट कारण की बात करें तो डे स्लीप यानी कि दिन में सोना। नेक्स्ट कारण की बात करें तो वेट धारण, इट मीन्स जितने भी नेचुरल अर्जेस हैं अगर उनको सप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में दोष हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कोई भी एक्सरसाइज ना करें, तो इन सब की वजह से क्या होगा, दोष इम्बैलेंस होंगे और ये डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, तो मैंने पहले वीडियो में जो वाइट डिस्चार्ज की वीडियो है उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया था कि किस तरह से हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रीटमेंट देखना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज रहते हैं, उसको हम कैसे प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आयुर्वेदिक ग्रुप्स में शेयर करें, आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इनक्रीज़ हो सके। थैंक्स।